एबे देखो क्वेश्चन नंबर 19 नो प्रश्न अछि जे त्रिभुज ए बी सी रे ए बी उपरिस्थ क्यू एक बिंदु क्यू आर समांतर बी सी जेपर कि ए आर सी डी आर समांतर क्यू सी जेपर कि ए डी बी प्रमाण कर जे ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी किछि भी बुझिहलानी तो गोटे काम कर एठारे त्रिभुज ए बी सी को लक्ष्य कर कहुई त्रिभुज ए बी सी रे ए बी बाहु उपरिस्थ क्यू एक बिंदु ए बी बाहु उपरिस्थ क्यू एक बिंदु क्यू आर समांतर बी सी जेपरिक ए आर सी अर्थात ए बिंदु आर बिंदु एवं सी बिंदु एक रेखी अटंती यहाँ अन्य अर्थ में तुम्हें कहीपर आर बिंदु हूँ ए सी बाहु उपरिस्थ बुझीला क्यू आर समांतर बी सी जेपरिक ए आर सी पुणी कहा जाइछि डी आर समांतर क्यू सी डी आर समांतर क्यू सी जेपरिक ए डी बी अर्थात ए बिंदु डी बिंदु एवं बी बिंदु एक रेखी अटंती बुझीला चलो वर्तमान आम दत्त लिखि नबा दत्त रे कौन लिखा जीवो ना त्रिभुज ए बी सी रे ए बी उपरिस्थ क्यू एक बिंदु क्यू आर समांतर बी सी जेपरिक ए आर सी डी आर समांतर क्यू सी जेपरिक ए डी बी बास एतिकी होची हमर दत्त दत्त लेखि नै पारिबो कहार किछ असुविधा नै चलो दत्त परे जीवा प्रामाण्य आमको एठारे प्रमाण करिया पई पड़िबो जे ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी बुझीला चलो लेख ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी वर्तमान आम जा प्रमाण को लक्ष्य कर त्रिभुज ए बी सी रे क्यू आर समांतर बी सी क्यू आर समांतर बी सी आम थेलिस उपपाद्य अर्थात उपपाद्य एक रु पढ़ी आसचु जदि गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर एक सरल रेखा अन्य दुई बाहु को दुईटी भिन्न बिंदु रे छेद करे तबे उक्त सरल रेखा द्वारा से ही दुईटी बाहु समानुपात रे विभाजित हुवंती अर्थात ए क्यू बाई बी क्यू इज इक्वल टू ए आर बाई सी आर बुझीला उपपाद्य एक लेख त्रिभुज ए बी सी रे क्यू आर समांतर बी सी कौन पाई ना दत्तरे दिया जाइछि अतएव आम लिखिदे पारिबा ए क्यू बाय बी क्यू इज इक्वल टू ए आर बाय सी आर बुझीला बर्तमान गोटे काम कर बाम पाख को ओल्टे दियो तो डाण पाख भी ओल्टे जीव तो आम लिखि पारिबा बी क्यू बाय ए क्यू इज इक्वल टू सी आर बाय ए आर बुझीला ना चलो वर्तमान उभय पार्श्वरे एक जोग कर उभय पार्श्वरे केते जोग करिबा एक जोग करिबा तो लिखिबा बी क्यू बाई ए क्यू प्लस वन इज इक्वल टू सी आर बाई ए आर प्लस वन बुझीला चलो वर्तमान जोग कर जदि आम बी क्यू बाई ए क्यू रे एक जोग करिबा जोगफल केते आसिबो लक्ष्य कर एठारे आमर तले लसा को आसिबो ए क्यू ऊपर चल जीवो बी क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल टू आर पाखे देख तले आमर लसा को आसिबो ए आर ऊपर चल जीवो सी आर प्लस ए आर एक रे ए आर गुणिले हम ए आर बुझीला ना तो सी आर प्लस ए आर वर्तमान तुम्हें निजे कह जे बी क्यू प्लस ए क्यू केते हम बी क्यू प्लस ए क्यू बी क्यू रे ए क्यू मिसेले आमको केते मिलिबो ए बी मिलिबो ना तो ए बी बाई ए क्यू हिजिबो लेखो मु एठारे लिखुची ए बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू सी आर प्लस ए आर केते हिजिबो देखो सी आर प्लस ए आर सी आर प्लस ए आर केते हिजिबो ए सी हिजिबो ना लेखो ए सी डिवाइडेड बाई ए आर चलो याकु तमे समीकरण एक दे दियो तापर देख त्रिभुज ए क्यू सी त्रिभुज ए क्यू सी ए क्यू सी बुझीला यही त्रिभुज को लक्ष्य कर कहुई डी आर समांतर क्यू सी कौटी कह दत्तरे डी आर समांतर क्यू सी डी आर समांतर क्यू सी तो एठारे थेलिस उपपाद्य पड़ज हाँ कि ना उपपाद्य एक कौन पड़ ना गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर भाव अंकित अन्य एक सरल रेखा अन्य दुई बाहु को दुईट भिन्न बिंदु छेद कले
उक्त सरल रेखा द्वारा से ही दुई बाहु समानुपात रे विभाजित हुवंती हाँ कि ना। तो वर्तमान आम लिखिपर ए डी बै क्यू डी इज इक्वाल टू ए आर बै सी आर बुझीगला ए डी बै क्यू डी इज इक्वाल टू ए आर बै सी आर त्रिभुज ए क्यू सी पाई को त्रिभुज पाई त्रिभुज ए क्यू सी पाई देखि पार्च त्रिभुज ए क्यू सी तो लेख वर्तमान त्रिभुज ए क्यू सी रे डी आर समांतर क्यू सी डी आर समांतर क्यू सी कौन पाई ना दत्त पाई बुझीगला। तो लिखिपर आम थेलिस उपपाद्य अनुजाई ए डी बै क्यू डी इज इक्वाल टू ए आर बै सी आर ए डी बै क्यू डी इज इक्वाल टू ए आर बै सी आर बुझीगला। बर्तमान कौन करवा ना उल्टे दबा बाम पाख को भी उल्टे दबा डाण पाख भी उल्टे जीव तो आम लिखिपर क्यू डी बै ए डी इज इक्वाल टू सी आर बै ए आर बुझीगला। चलो बर्तमान उभय पार्श्वर एक जोग कर उभय पार्श्वर एक केमती जोग कर देख लिखा क्यू डी बै ए डी प्लस वन इज इक्वाल टू सी आर बै ए आर प्लस वन तो आमको मिले बाम पाखे हो ते लसागु ए डी ऊपर चल जीव क्यू डी प्लस ए डी क्यू डी प्लस ए डी इज इक्वाल टू देखो डाण पाखे आमर तले लसागु हो आर उपरे चल जीव सी आर प्लस ए आर सी आर प्लस ए आर तो निजे कह उत्तर कौन आसव क्यू डी प्लस ए डी के आसव कह देखिकी क्यू डी प्लस ए डी के एक्यू हो तो आम पाइबा एक्यू बै ए डी इज इक्वाल टू सी आर प्लस ए आर के सी आर प्लस ए आर हो सी तो आम पाइबा एक्यू बै ए डी इज इक्वाल टू ए सी बै ए आर लेख एक्यू बै ए डी इज इक्वाल टू ए सी बै ए आर या तुम्हें समीकरण दुई धरनियो वर्तमान समीकरण एक आउ समीकरण दुई मध्य तुलना कर समीकरण एक आउ समीकरण दुई मध्य तुलना कर तो देख एठार डाण पाख सामान अच्छी ए सी बै ए आर एटी भी अच्छी ए सी बै ए आर तो डाण पाख सहित तो डाण पाख सामान यार अर्थ होम पाख सहित तो बाम पाख सामान हम बुझीला ना तो आम लिखिपर ए बै ए क्यू इज इक्वाल टू ए क्यू बै ए डी बुझीला तो लेख इक्वेशन वन इक्वेशन वन ओ टू को तुलना कले आम पाइबा जे ए बै ए क्यू इज इक्वाल टू ए क्यू बै ए डी ए बै ए क्यू इज इक्वाल टू ए क्यू बै ए डी बर्तमान वज्र गुणन कर एक्यू सहित ए क्यू गुणिले आम पाइबा ए क्यू स्क्वायर इज इक्वाल टू ए बी सहित ए डी गुणिले आम पाइबा ए बी इंटू ए डी बुझीला तो यही कथा ही आमको प्रमाण करने कहुला आम लिखा प्रूफ्ड बा प्रमाणित एक्यू स्क्वायर इज इक्वाल टू ए बी इंटू ए डी बुझीला। चलो तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 19 रो समाधान सरी जाइछि वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 रो प्रश्न अछि जे चित्र रे ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ लक्ष्य कर ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ एवं एफ ओ बी परस्पर को सी बिंदु रे छेद करंती एफ आउ बी परस्पर को सी बिंदु रे छेद करंती तबे प्रमाण कर जे ई एफ इंटू बी डी इज इक्वाल टू डी एफ इंटू ए बी तो देख ई एफ इंटु बी डी इज इक्वाल टू डी एफ इंटु ए बी ई एफ इंटु बी डी इज इक्वाल टू डी एफ इंटु ए बी बुझीला। चलो बर्तमान आम प्रमाण करवा प्रथम दत्त लेखिनियो दत्त रे कौन लेखा जीवो ना ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ एवं एफ ओ बी परस्पर को सी बिंदु रे छेद करती बस एतिकी होची आमर दत्त दत्त लेखि नहीं पार। चलो दत्त पर आम जा प्रामाण्य को आमको एठारे प्रमाण करने पड़ जे ई एफ इंटु बी डी ई एफ इंटु बी डी इज इक्वाल टू डी एफ इंटु ए बी डी एफ इंटु ए बी बुझीला। चलो प्रामाण्य पर आम जा प्रमाण को प्रमाण तो लक्ष्य कर त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज एफ सी ई ए दुईटी त्रिभुज मध्य तुलना कर लेख त्रिभुज ए सी बी ओ त्रिभुज एफ सी ई द्वयरे कौन कौन सामान अच्छी ना प्रथम कथा
एही कोणर परिमाण एही कोणर परिमाण सहित समान अर्थात ए सी बी कोणर परिमाण एफ सी ई कोणर परिमाण सहित समान काहेकि प्रतिप कोण दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होतिबा प्रतिप कोण मानकर परिमाण समान बुझियला तो लेखिनियो मेजरमेंट ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एफ सी ई द्वितीय कथा लेख जे एही कोणर परिमाण एही कोणर परिमाण सहित समान अर्थात सी ए बी कोणर परिमाण ई एफ सी कोणर परिमाण सहित समान बुझिहला ना सी ए बी कोणर परिमाण सी एफ ई कोणर परिमाण सहित समान काहेकि कारण ए बी समांतर ई एफ एवं ए एफ एक छेदक बुझिहला दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होतिबा एकांतर कोण मानकर परिमाण समान बुझिहला ना तो लेख मेजरमेंट सी ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी एफ ई कोण पई ना एकांतर कोण बुझिहला एटा थिला प्रतिप कोण चलो वर्तमान देख दुईटी त्रिभुज रे दुईटी अनुरूप कोणर परिमाण परस्पर सहित समान हो गलाणी तो आमे कहि दे परबा त्रिभुज ए सी बी सदृश त्रिभुज एफ सी ई लेख अतएव त्रिभुज ए सी बी सदृश त्रिभुज एफ सी ई कोण पई ना को सदृश्य कोण कोण सदृश्य बुझिहला ना बर्तमान देख दुईटी सदृश त्रिभुजर अनुरूप बाहू माने समानुपाती हुंती तो देख ए दुईटी त्रिभुज रे अनुरूप बाहू मानंकु चिन्हट कर AC by CF is equal to BC by CE is equal to AB by EF हे जीवो बुझेला ना तो आमे लिखिबा BC by CE is equal to AB by EF लेखो BC by CE is equal to AB by EF याकु तमे समीकरण 1 दे दियो वर्तमान ए बड़ त्रिभुज को लक्ष्य कर त्रिभुज बी एफ ई ए बड़ त्रिभुज को लक्ष्य कर त्रिभुज बी एफ ई रे सी डी समांतर ई एफ केमिति जानलो सी डी समांतर ई एफ बोली केमिति जानलो ना देखो एटी दत्तरे दैछि सी डी समांतर ई एफ देखो एठारे थेलिस उपपाद्य पड़ी जिवो बा उपपाद्य 1 पड़ी जिवो आमे जानिछु गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर भाव रे अंकित सरल रेखा अन्य दुईटी बाहु को दुईटी भिन्न बिंदु रे छेद कले सही सरल रेखा द्वारा अन्य दुईटी बाहु समानुपात रे विभाजित हुंती अर्थात BD by DF इज इक्वल टू BC by CE बुझियला तो लेख त्रिभुज BFE रे CD समांतर EF CD समांतर EF केमिति जानलो ना दत्तरे दिए जाइछि तेनु एठारे थेलिस उपपाद्य प्रयोग कर दबा आमे तो आमे लेखिबा BC by CE इज इक्वल टू BD by DF लेखो BC by C is equal to BD by DF याकु तमे समीकरण 2 दे दियो वर्तमान समीकरण 1 आ समीकरण 2 मध्ये रे तुलना करो देखो ए मानकर बाम पाख सहित बाम पाख समान अछि तेनु डाहाण पाख सहित डाहाण पाख समान हो लेखो समीकरण 1 ओ समीकरण 2 कु तुलना कले आमे पाइबा AB by EF is equal to BD by DF लेखो AB by EF इज इक्वल टू BD by DF वर्तमान आमे कोण करिबा ना वज्र गुणन करिबा AB into DF इज इक्वल टू BD into EF बुझियला देखो एई कथा ही हमरो प्रामाण्य रे मागीथिला प्रमाण करिया पे कोहा जाईथिला तो लेख EF into BD एमति लेखो EF into BD EF into BD इज इक्वल टू आर पाखरे कोण रहइबो AB into DF बा DF into AB DF into AB बुझियला ना बस एही कथा ही हमको प्रमाण करिया पई कहा जाईतिला लेखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझियला तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 20 रो समाधान सरी जाईची वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्वेश्चन नंबर 21 नो प्रश्न अछि जे दुईटी सदृश त्रिभुजर अंतःवृत्तर व्यासार्ध द्वयर अनुपात उक्त त्रिभुज द्वयर अनुरूप बाहुर अनुपात सहित समान तो प्रथमे आमे प्रश्नटी को भलो भाबरे बुझिया पई दुईटी सदृश त्रिभुजर चित्र अंकन करिबा एवं सेमानंकर अंतःवृत्त द्वयर चित्र मध्य अंकन करिबा बुझियला ना तो प्रथमे चित्र करिबा देखो ये होची हमर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी रो अंतःवृत्त हेउची एस1 वृत्त तो देखो ये होची हमर एस1 वृत्त बुझियला एस1 वृत्त ए वृत्तर नामकरण करि परिबो एस1 वृत्त एवं S1 वृत्तर केंद्र हेउची O1 बुझियला O1M हेउची
वृत्तर गोटे व्यासार्ध बुझीगला। देख तुम्हें पूर्व जाच जे स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब अर्थात ओ वन एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी उपपाद्य बार पढ़ीन तुम्हें ठीक अच्छे केवल तुम्हें जाणिनियो जे गोटे वृत्तर स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब अर्थात ओ वन एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी हेबो बुझीगला। देख धर जाऊ ये हूँ आम गोटे वृत्त एस ओन वृत्त एस ओन वृत्तर केन्द्र होउची ओ बर्तमान वृत्तर गोटे स्पर्शक आम अंकन करवा धर जाऊ ये हूँ वृत्तर गोटे स्पर्शक एल सरल रेखा आउ ये देख स्पर्श बिंदु होउची पी ताहले ओपी ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल हेब ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल उपपाद्य बार अनुजाई बुझीगला ना। तो उपपाद्य बार तुमको पछरे पढ़ा तुम्हें केवल जाणिनियो बर्तमान पर स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब ठीक अच्छे। चलो बर्तमान देख त्रिभुज ए बी सी रो अंतःवृत्तर केन्द्र हो वन देख तुम एक पूर्व जाणी जे गोटे त्रिभुजर तीन कोणर समद्वि खंडक परस्पर को जो बिंदु छेद करती से ही बिंदुटी है त्रिभुजर अंतर्लिखित वृत्तर केन्द्र बिंदु अर्थात जदि ए कोणर समद्वि खंडक बी कोणर समद्वि खंडक आउ सी कोणर समद्वि खंडक आम अंकन करवा तेब से परस्पर को यही ओ वन बिंदु छेद करेंगे बुझीगला ना। ए कोणर समद्वि खंडक बी कोणर समद्वि खंडक आउ सी कोणर समद्वि खंडक एम परस्पर को ओ वन बिंदु छेद करेंगे जहाँकि त्रिभुजर अंतर्लिखित वृत्तर केन्द्र बिंदु अटे बुझीगला। चलो बर्तमान आम कौन करवा त्रिभुज ए बी सी सहित सदृश होता आउ गोटे त्रिभुज अंकन करवा जार नामकरण आम करदे त्रिभुज पी क्यू आर किंवा त्रिभुज डीईएफ तुमको जोटा पसंद। देख ये आमर त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू आर बुझीगला। तो देख त्रिभुज पी क्यू आर मध्य गोटे वृत्त अंतर्लिखित हो यार नामकरण करवा एस टू वृत्त कि वृत्त एस टू वृत्त एस टू वृत्तर केन्द्र बिंदु होउची ओ टू ओ टू एन वृत्तर गोटे व्यासार्ध ओ टू एन वृत्तर गोटे व्यासार्ध। देख ओ टू एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर होना यठार कहीं स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब बुझीगला। चलो बर्तमान आम कौन करवा ना दत्त लिखि नवा दत्तरे कौन लिखा ना त्रिभुज ए बी सी सदृश त्रिभुज पी क्यू आर बुझीगला। तो लिखा एस ओन वृत्त त्रिभुज ए बी सी रो अंतर्लिखित वृत्त एवं एस टू वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर रो अंतर्लिखित वृत्त बुझीगला ना। तो ओ वन एम वृत्तर एक व्यासार्ध से भाया देख एस टू वृत्त को जीवा एस टू वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर रो अंतर्लिखित एवं ओ टू एन वृत्तर एक व्यासार्ध बुझीला। चलो बर्तमान दत्त सरी जाइए दत्त पर आम जा प्रामाण्य को प्रामाण्य कौन प्रमाण करने कह देख कह दुईट सदृश त्रिभुजर अंतःवृत्तर व्यासार्ध द्वयर अनुपात अंतःवृत्तर व्यासार्ध द्वयर अनुपात उक्त त्रिभुज दुईटर अनुरूप बाहुर अनुपात सहित सामान माने अनुरूप व्यासार्ध द्वयर अनुपात ओ वन एम डिवाइडेड बाय ओ टू एन इज इक्वाल टू अनुरूप बाहु द्वयर दैर्घ्यर अनुपात सहित सामान कह माने बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर किंबा ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू किंबा एस सी डिवाइडेड बाय पी आर जहाँ लेखुच लेख सदृश त्रिभुजर तो प्रत्येक बाहू मान अनुरूप बाहू मैंने समानुपाति हूँ आउ बुझीगला ना। तो तुम्हें चाहिए बी सी बाय क्यू आर लिखिदे पार बी सी बाय क्यू आर बुझीगला ना। प्रामाण्य पर आम एठार गोटे छोटिया अंकन करनवा अंकन देख आम कौन अंकन करवा ना ओ वन बी ओ वन सी ओ टू क्यू ओ टू आर अंकन करा जाऊ बुझीला। लेख ओ वन बी कमा ओ वन सी एवं ओ टू क्यू कमा
ओ टू आर अंकन कर बुझीगला। अंकन पर आम जा प्रमाण को जीवा तो चलो प्रमाण करवा लेख प्रमाण वर्तमान दुईटी त्रिभुज मध्य तुलना कर त्रिभुज ओ वन बी सी एवं त्रिभुज ओ टू क्यू आर यही दुईटी त्रिभुज मध्य तुलना कर कौन कौन सामान अच्छी। अच्छा ये दुईटी त्रिभुज सदृश हो पार कि त्रिभुज ओ वन बी सी एवं त्रिभुज ओ टू क्यू आर यही दुईटी त्रिभुज सदृश हो पार कि देख त्रिभुज ओ वन बी सी ओ त्रिभुज ओ टू क्यू आर द्वयरे कौन कौन सामान हम देख प्रथम कथा जे एही कोणर परिमाण परिमाण सहित समान अर्थात ओ वन बी सी इज इक्वल टू ओ टू क्यू आर काहीं की देख ए बी सी त्रिभुज सहित पी क्यू आर त्रिभुज सदृश हाँ कि ना तो दुईटा सदृश त्रिभुजर अनुरूप कोण मैंने परस्पर सहित सामान हमें तमान तुम्हें कह बी कोणर परिमाण क्यू कोणर परिमाण सहित सामान हाँ कि ना तो जदि बी कोणर परिमाण क्यू कोणर परिमाण सहित सामान तेज बी कोणर अधा क्यू कोणर अधा सहित सामान हम हाँ कि ना तो बी कोणर अधा किए हम यही कोणटा मान ओ वन बी सी आउ क्यू कोणर अधा किए हम यही कोणटा मान ओ टू क्यू आर तुम कह के अधा हम अरे मु तुमको पूर्वर कहली ना जी देख ए कोण बी कोण आ सी कोणर समद्विखंडक माने परस्पर को जो बिंदु छेद करेंगे सी हम त्रिभुज ए बी सी अंतःवृत्तर केन्द्र बुझीगला ना तो बी कोणर समद्विखंडक आ सी कोणर समद्विखंडक परस्पर को यही ओ वन बिंदु हिं छेद करेंगे बुझीगला तो ये हम समद्विखंडक बी कोणर समद्विखंडक बुझीगला आउ ए देख ओ टू क्यू हूँ क्यू कोणर समद्विखंडक बुझीगला तो आम लिखिद मेजरमेंट ओ वन बी सी इज इक्वाल टू मेजरमेंट ओ टू क्यू आर पचार कहीं तुम्हें कह जेहेतु त्रिभुज ए बी सी सदृश त्रिभुज पी क्यू आर तेणु आम कहीदार जे मेजरमेंट बी इज इक्वाल टू मेजरमेंट क्यू तेणु हाफ अफ मेजरमेंट बी इज इक्वाल टू हाफ अफ मेजरमेंट क्यू तो हाफ अफ मेजरमेंट बी हो मेजरमेंट ओ वन बी सी आउ हाफ अफ मेजरमेंट क्यू हो मेजरमेंट ओ टू क्यू आर बुझीगला ना एति तो लिखदे पार बुझीगला तुम्हें लिखिदेव मुझे लिभे दूची मो पाखे जगह सर्ट अच्छी बुझीगला ना तुम्हें लिखे कितु निटा कारण तो दर्शाते पड़ो ना जमीति में सब कारण दर्शाई पड़े ठीक अच्छे तुम्हें लिखि नब तापर एउटू आरंभ कर बीट टू द्वितीय कथा हो यही दुईटी कोणर परिमाण मध्य परस्पर सहित सामान अर्थात ओ वन सी बी इज इक्वाल टू ओ टू आर क्यू कौन पाई ना से भाया देख त्रिभुज ए बी सी सदृश त्रिभुज पी क्यू आर तेणु सी कोण आर कोण सहित सामान अनुरूप कोण सदृश त्रिभुजर अनुरूप कोण तो सी कोणर अधा आर कोणर अधा सहित सामान हम सी कोणर अधा हो वन सी बी आर कोणर अधा हो टू आर क्यू तो लेख मेजरमेंट ओ वन सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ टू आर क्यू बुझीगला तो वर्तमान देख ए दुईटी त्रिभुज रे दुई गोटे अनुरूप कोण परस्पर सहित सामान हो गले तो यार अर्थ हो तृतीय कोण भी आपे आपे सामान हो कहीं त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री बुझीगला तो आम लिखिदार अतएव त्रिभुज ओ वन बी सी सदृश त्रिभुज ओ टू क्यू आर बुझीगला या कहुए को सदृश्य कौन कहुए को सदृश्य बुझीगला बर्तमान देख सदृश त्रिभुजर अनुरूप बाहू मैंने समानुपाति अनुरूप बाहू सहित से मानकर उच्चता भी समानुपाति हाँ कि ना पूर्वर आम एक प्रमाण कर सारी जे दुईटी सदृश त्रिभुजर उच्चता द्वयर अनुपात से दुईटी त्रिभुजर बाहू अनुरूप बाहूर अनुपात सहित सामान दुईट त्रिभुजर मध्यमा द्वयर अनुपात दुईट सदृश त्रिभुजर मध्यमा द्वयर अनुपात से दुईट त्रिभुजर अनुरूप बाहूर अनुपात सहित सामान दुईट त्रिभुजर परिसीमार अनुपात से दुईट त्रिभुजर मान सदृश त्रिभुज कथा कह दुईट सदृश त्रिभुजर परिसीमार अनुपात से दुईट त्रिभुजर अनुरूप बाहू मानक अनुपात सहित सामान एक आम पूर्व बहुत थर प्रमाण कर सारी तेणु जेहेतु त्रिभुज ओ वन बी सी सदृश त्रिभुज ओ टू क्यू आर होगला तेणु एमकर जो उच्चता रो
एमानंकर उच्चतार अनुपात एमानंकर अनुरूप बाहुर अनुपात सहित समान हबो बुझिला ना। तो ओ वन एम डिवाइडेड बाय ओ टू एन लिखिबा आमे जे ओ वन एम डिवाइडेड बाय ओ टू एन इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर बुझिला ना। एही कथा ही हमको प्रमाण करिया पे कहा जाइतिला अब आमे लिखिया प्रूव्ड। अच्छा तुम्हें चाहिए एटी कारण लिखी दे पारिबो हला तो कारण लिखिदे पार जेहेतु दुईट सदृश त्रिभुजर उच्चतर अनुपात से दुईट त्रिभुजर अनुरूप बाहुद्वार अनुपात सहित सामान हुए ब्राकेट चाहिए लिखिदेव तापर लिख प्रूफ बा प्रमाणित बुझीला ना। तो परीक्षक जे देखु तुम खाता जे चेक करुव से जापर जे पाटी प्रकृत जाणी ये कहीं से जाणी जे ये दुईटा हूँ उच्चता त्रिभुजर एवं उच्चता द्वयर अनुपात त्रिभुज द्वयर अनुरूप बाहू मानकर दैर्घ्यर अनुपात सहित सामान बुझीला ना। तो एथि सहित आमर क्वेश्चन नंबर 21 समाधान सरी जाइछि। आजर क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।